इट मीन्स के वो उसको हायर करना चाह रही है कि तो मुझे वो ये सिखाए सिखाएं गुड फॉर वट किस क्या अच्छा है गुड फॉर ये ना नाउ यू यू नो डोंट यू आई एम कम आई एम कम टू हैव लेसन आई एम अब ये देखें हम नॉर्मली आई एम कम टू हैव लेसन नहीं आते हम आई एम नहीं लगाते आई गम लगाते हैं तो आपको ये एक्सेंट के बारे में पता चल ही रहा होगा आई एम एन टू पे फॉर एम टू मेक नो मिस्टेक कहती है कि मैं तुमसे लेसन लेने आई हूँ और क्या है कि उसके रकम उसके पैसे भी अदा करूंगी मुफ्त में नहीं पढ़ने आई हिगिंस टू पेंथ वेल रिकवरिंग हिज ब्रेथ विद द गैस वट डू यू एक्सपेक्ट मी टू से टू यू क्या मैं मुझसे तुम एक्सपेक्ट कर कि क्या मैं तुम्हें कहूंगा सो वट डू यू एक्सपेक्ट मी टू से टू यू कि तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुमसे क्या कहूं द फ्लावर गर्ल द फ्लावर गर्ल याद रखिएगा ये वर्ड फ्लावर है होता है और जो जिसको हम फ्लोर आटा कह रहे होते हैं F -L -O -U -R floor, वो भी flower कहा जाता है उसको होतेमेंबर इट एंड आई एम सर ये फ्लावर होता है फ्लावर को फ्लावर कहते हैं होता है बेटे आई एम टेलिंग यू वेरी कॉन्फिडेंटली जो ब्रिटिश एक्सेंट है उसमें उसको आटे को फ्लावर ही कहा जाता है आप गूगल करके कर देख सकती हैं आई हैव गूगल्ड इट मैनी टाइम्स यू कैन ऑल्सो फाइंड दिएशन ऑन यूट्यूब सो दीज बोथ आर फ्लावर्स जो इंग्लैंड इंग्लिश इंग्लिश पीपल हैं जो बीबीसी डायलैक्ट है जो क्वीन डायलैक्ट है जो लंडन डायलेक्ट है उसमें आटे को फ्लावर कहा जाता है ओके okay?

क्योंकि उसके कपड़ों को ये तंस कर रहा है उसके कपड़े फटे पुराने थे गंदे थे तो कहता कि इस सामान को बिठाएं या से बाहर फेंक दें, so, की बात हो रही है, और खासकर ब्रिटिश लोग बड़े क्लास कॉन्शियस होते हैं द फ्लावर गर्ल रनिंग आई वॉन्ट बी कॉल्ड टू पे लाइक एनी लेडी अब वो रो पड़ती है फटाफट फटा। वो मैन वो इमोशनल है तो मैं तुम्हें रही और तुम मुझे एक कह रही हूँ और इस तरह से एक बात कर रहे हो जबकि हूँ अब वो हैरानगी से उसको देख रही क्योंकि वो डार के प्यानो के पीछे भाग जेंटली पिकरिंग वट इज इट यू वॉन्ट माई कर

फूल जो है वो बेचूं, लेकिन उसके लिए वो मुझे तब रखेंगे जब मेरी अंग्रेजी जो होगी वो बहुत ज्यादा और जेंटल होगी और ज्यादा जो है वो शफाफ होगी और ज्यादा शफीक होगी ही सैड इसने कहा था कि ये मुझे जो है वो सिखा सकता है लो अब मैं आ गई हूं मैं पैसे भी दे रही हूं तो इसे कहो मुझे अदर हाफ so

So जो है, वो आगे कहती है हाउ कैन यू बी सच इग्नोरेंट गर्ल एज टू थिंक यू कुड अफोर टू पे मिस्टर हिगिंस? कहते कि तुम कैसे इतनी बेवकूफ लड़की हो सकती हो कि जो तुम ये समझो कि तुम मिस्टर हिगिंस जो है उसको पे कर सकती हो उसकी फीस दे सकती हो The flower girl, why shouldn't I? मैं क्यों नहीं कर सकती? I know what lessons cost as well as you do, and I'm ready to pay. कहती मैं भी जानती हूँ, तुम भी जानती हो कितना कॉस्ट होती है और मैं पैसे देने को तैयार हूँ. Against how much? Coming back to him, triumphant, triumph, जीत. तो वो ऐसे अंदाज में उसके पास आ रही कि जैसे वो जीत चुकी हो, थोड़ी बौसी होने की कोशिश करेगी.

मुझे वो पैसे फेंके थे उनमें से कुछ तुम्हें मिलने वाले हिगिंस सिराउन बैठ जाओ द फ्लावर गर्ल ओ इफ यू आर गोइंग टू मेक अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट कहते अगर फिर तुम कोई कमेंट करने वाले हो वो हिगिंस फिर थंडरिंग एट और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर वो गुस्से से उसको कह रहा है सिडाउन मिसेस पियर्स स्वेयरली सिडाउन गर्ल डू एज यू आर टोल्ड अब देखो वो भी बहुत बा, बहुत बासी है उसको कह रही है कि तुम नीचे बैठो जैसे कह रहे हैं वैसे क्यों नहीं कह रही तुम अब वो चेयर रखती है और उसके ऊपर वो बैठ जाती है फ्लावर गर्ल और उसने फिर रोना शुरू कर दिया stands half rebellious, half अब रिबिलियस का मतलब होता है कि जो जिद्दी कह लें या वैसे तो इसको बागी कहा जाता है आधी उसकी सोच बाना है आधी वो डरी हुई है मिक्सचर है। पिकरिंग, very courteous. Won't you sit down? अब वो बड़े से उसको कह रहा है कि बैठोगी नहीं तुम लीजा डोंट माइंड इफ आई डू शी डाउन पिकरिंग रिटर्न टू द

जेंटलमैन कौन है जो अमीर है जिसके साफ सुथरे कपड़े हैं जिसकी जुबान साफ है उसको जेंटलमैन जेंटलमैन कहा जाता है 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 जो जॉब कर रहा जिसके पास अच्छे खासे पैसे हैं है। तो वो कह रही है कि इस तरह से तुम जेंटलमैन से बात नहीं कर सकती वेल वाई वॉन्ट ही स्पीक सेंसिबल टू मी तो वो कहती है कि वो अकल वाली बात क्यों नहीं करता फिर मुझसे उसको तो अकल वाली बात करनी चाहिए मुझसे वो क्यों नहीं करता So, next, हम देखेंगे कम बैक टू बिजनेस हाउ मच डू यू प्रपोज टू पे मी फॉर द लाइसन उन्होंने कहा चलो जी आज आज बिजनेस की बात करते हैं कितने पैसे दोगे तुम मुझे ओ आई नो वट्स राइट मुझे पता है कि कितने क्या ठीक है अ लेडी फ्रेंड ऑफ माइन गेट्स फ्रेंच लेसन फॉर एटीन फैंस एन आर फ्रॉम अ रियल फ्रेंच जेंटलमैन वेल यू हैव द फेस टू एस्क मी द सेम फॉर टीचिंग मी माय ओन लैंग्वेज एज यू वुड फॉर फ्रेंच सो आई वॉन्ट गिव मोर देन अ शिलिंग टेक इट और लिव इट बच्चे यहाँ पे एक चीज समझ लें जैसे हमारे इस माशरे में अक्सर ही लोग ये समझते हैं कि पंजाबी से इंग्लिश बेहतर है इसी तरह जो अंग्रेज़ हैं या थे वो ये समझते थे कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो इंग्लिश से बेहतर है क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ख़ूबसूरती जो है वो ऐड करती है गुफ्तु -गु में तो वो फ्रेंच पोइट्री पढ़ाया करते थे नवाबों के बच्चों को ताकि उनका एक्सेंट ठीक हो ये आलमोस्ट दुनिया में हर एक जगह पर ही पाया जाता है कि जहाँ पर किसी ना किसी लैंग्वेज को आइडियल समझा जाता है अब कह रही है कि एटीन पेंस में मेरी एक दोस्त फ्रेंच सीख रही है जो कि बहुत बड़ी और आला जुबान है तो तुम्हें तो मैं एक शिलिंग दूंगी एक लेक्चर का तो ए एक एक घंटे का तो क्योंकि तुमने तो मुझे अपनी जबान सिखानी है ठीक है जी अब ये इनडायरेक्टली उसने बताया टेक इट और लीव इट लेना है तो लो नहीं तो छोड़ दो

एक घंटे के इट्स हैंडसम बाय जॉर्ज इट्स ए नर्मस इट्स द बिगेस्ट ऑफर आई हैड पता कि फिर तो ये बहुत बड़ी ऑफर हुई जो मुझे दे रही है क्लास आज के लिए बस करें इतना ही जी सर ओके okay. तो क्लास समझ आई है आपको